हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो फाइनली जिस चीज का इंतजार हमें ऑलमोस्ट पिछले एक साल से था, वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। आईसीआई ने अपना नया कोर्स रोल आउट कर दिया है 1 जुलाई 2023 को, और इसके साथ ही जो भी स्पेकुलेशन चल रही थी वो सारी स्पेकुलेशन एंड हो गई है। अभी तक हम जितनी भी बातें आपको बोलते थे वो कुछ अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे या जो भी काउंसिल मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन करता था उसके बेसिस पे हम आपको बोलते थे, लेकिन अब हम आपके साथ जो भी डिस्कशन करेंगे वो एकदम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे करेंगे और ये फुल एंड फाइनल डिस्कशन रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट एंटायर स्टूडेंट फ्रेटर्निटी की आईसीआई का नया कोर्स लॉन्च हो चुका है और आप इस कोर्स के अंदर एग्जाम्स दे सकते हैं May 24 से। अब आपको इस कोर्स का बेसिक स्ट्रक्चर पता ही है कि हमारे पास फाउंडेशन में 4 पेपर्स हैं, इंटरमीडिएट में 6 पेपर्स हैं, सीए फाइनल में 6 पेपर्स है, प्लस 4 हमारे पास ऑनलाइन सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स हैं। आज का ये जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वीडियो के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? इस वीडियो के पीछे ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक क्लियर पिक्चर दी जा सके कि जो मेरा सब्जेक्ट है सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन, उसमें क्या बदला है, क्या नहीं बदला है, क्या कोई इसमें वेटेज में चेंज है, क्या कोई पेपर पैटर्न में चेंज है, एंड इनर सब्जेक्ट में क्या चेंज है। आप में से जो लोग May 24 में अपना अटेम्प्ट प्लान कर रहे हैं, जिन्होंने कोचिंग नहीं ली और लेना चाहते हैं, वो कब से क्लासेस ले सकते हैं? जिन लोगों ने ऑलरेडी क्लासेस ले रखी है लेकिन वो अपना अटेम्प्ट May 24 में देंगे, उन्हें अपने आपको किस हिसाब से अपडेट करना है, वो सारा डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। तो सबसे पहली चीज, यहां पे मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आईसीआई का ही है, जो FAQs उन्होंने लिखे हुए। सबसे मेन चीज है हमारे पास अब इंटरमीडिएट में 4 पेपर्स ग्रुप 1 और 4 पेपर्स ग्रुप 2 की जगह अब हो गए हैं 3 पेपर्स इन ग्रुप 1 एंड 3 पेपर्स इन ग्रुप 2। तो इंटरमीडिएट में हमारे पास ग्रुप 1 में रहेगा पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग 100 मार्क्स, पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज 100 मार्क्स, एंड टैक्सेशन का जो पेपर है, जो पहले पेपर नंबर 4 हुआ करता था ओल्ड स्कीम में, अब वो न्यू स्कीम में बन जाएगा पेपर नंबर 3। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखने की ये है कि पहले जो हमारे पास वेटेज थी वो पार्ट ए में अंडर द ओल्ड लॉ इनकम टैक्स में हमारे पास वेटेज थी 60 मार्क्स की, एंड जीएसटी में हमारे पास ओल्ड में वेटेज थी 40 मार्क्स की। बट अंडर द न्यू स्कीम आईसीआई क्या कर रहा है, इनकम टैक्स की जो वेटेज है उसे 50 कर रहा है और जीएसटी की भी वेटेज जो है वो 50 कर रहा है। दैट मींस देयर विल बी इक्वल फोकस ऑन इनकम टैक्स एंड जीएसटी। हमारा फोकस रहता ही बराबर है वैसे क्लासेस में, बट अब एग्जाम में भी जो वेटेज है वो बिल्कुल बराबर रहेगी। सर आपके हिसाब से चेंज कैसे? ये चेंज बहुत बढ़िया है, इनकम टैक्स जितना जुड़ गया उतना ही जुड़ गया जीएसटी है, और मोरओवर जीएसटी का सिलेबस कंपैरेटिवली इनकम टैक्स के मुकाबले कम होता है और जीएसटी के क्वेश्चंस की लेंथ भी कंपैरेटिवली कम होती है। सो आई गेस देयर विल बी बेटर टाइम मैनेजमेंट एट द एंड ऑफ द स्टूडेंट्स अच्छे से टाइम मैनेज कर पाएंगे पेपर में। जो एक हल्का सा कंप्लेंट कहता है कि सर टैक्सेशन का पेपर थोड़ा सा लेंथी आता है, वो अगर इनकम टैक्स से मार्क्स हटके जीएसटी में आ गए हैं तो थोड़ा सा वहां पर भी हमारी बात बन जानी चाहिए। मूविंग अहेड, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि टैक्सेशन के पेपर में अंडर द ओल्ड स्कीम इस बार हमारे पास एमसीक्यूज थे, 30 मार्क्स का पेपर एमसीक्यूज बेस्ड पेपर एंड 70 मार्क्स का पेपर हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर। ये जो पैटर्न था, दिस पैटर्न वाज अडॉप्टेड इन 4 सब्जेक्ट्स एट सी इंटरमीडिएट लेवल अंडर द ओल्ड स्कीम। एक हमारा सब्जेक्ट था लॉ, एक हमारा सब्जेक्ट था टैक्स, एक था ऑडिट और एक था EISSM। इन सब्जेक्ट्स के अंदर ये वाला जो पैटर्न था वो चल रहा था, लेकिन हमारे बाकी जो पेपर्स थे अकाउंटेंसी के, कॉस्ट अकाउंटिंग के या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, वहां पे ऐसा कोई एमसीक्यूज का सीन नहीं रहता था। बट अब आईसीआई कह रही है कि अक्रॉस ऑल द 6 पेपर्स ऑफ इंटरमीडिएट एज वेल एज एट सीए फाइनल 30% पेपर एमसीक्यू रहेगा और 70% सब्जेक्टिव रहेगा। तो जिन सब्जेक्ट्स में एमसीक्यूज नहीं थे उनमें भी एमसीक्यूज आ गए हैं, टैक्सेशन के पेपर में पहले भी एमसीक्यूज थे अभी भी एमसीक्यूज आ गए हैं, तो कोई नया इसमें चेंज तो है नहीं। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली ये है, इट सेज 30% केस सिनारियो या केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज। अभी तक क्या होता है, ये जो एमसीक्यूज आते हैं ये एमसीक्यूज में कुछ एमसीक्यूज आते हैं केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज। केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज क्या होते हैं, आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक साथ दी रखी होती है और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे अलग अलग एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। मतलब एक पूरा कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है जहां पे आपको टैक्स पेयर की अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसके बेसिस पे आपके पास इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों में केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। प्लस यहां पे ओल्ड स्कीम में आपके पास इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज भी हुआ करते थे। इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज क्या थे, इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज मतलब किसी भी टॉपिक से, किसी भी सब टॉपिक से कोई भी डायरेक्टली आपसे एमसीक्यू पूछ लिया गया। तो अभी तक ये देखा गया था कि हमारे पास जो 30 मार्क्स का एमसीक्यू आ रहा था
टैक्सेशन के पेपर में अंडर दी ओल्ड स्कीम, वहां पे एक केस स्टडी मेरे पास इनकम टैक्स की हुआ करती थी और एक केस स्टडी मेरे पास जीएसटी की हुआ करती थी। इनकम टैक्स वाली केस स्टडी की वेटेज अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स हुआ करती थी, जीएसटी वाली की वेटेज अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मार्क्स हुआ करती थी। तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 नंबर के इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज हुआ करते थे जो कहीं से भी सिलेबस में पूछ लिए जाते थे। लेकिन अब जो इन्होंने डॉक्यूमेंट रिलीज किया है उसमें ये कह रहे हैं देयर विल बी 30% केस सिनारियो या केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज। सो दैट मींस कि ये इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज जो स्टैंड अलोन टॉपिक से कोई भी एमसीक्यू बन जाता है मोस्ट लाइकली अब ये एलिमिनेट हो जाएंगे और आपके पास जो 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे वो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज ही आएंगे कि आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आंसर करने हैं। इन केस स्टडीज की प्रैक्टिस हम बहुत एडिक्वेटली क्लासेस में करते हैं इनकम टैक्स में भी और जीएसटी में भी। तो अब बस ये है कि इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज की जगह पे 30 मार्क्स के एमसीक्यूज केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज रहेंगे। अब लास्ट जो आईसीएआई ने डॉक्यूमेंट रिलीज किया था नए कोर्स को लेके, उन सारे डॉक्यूमेंट्स में ये बात लिखी जाती थी कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इन एमसीक्यूज, जिसकी वजह से लगता था यार अगर कल को एमसीक्यू नहीं आ रहा क्या तुक्का तो लगा ही नहीं पाएंगे, नेगेटिव हो जाएगी मार्किंग। लेकिन अब बहुत बड़ा रिलीफ आईसीआई ने दिया है, दे आर सेइंग देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, और यही बात फाइनल के एग्जामिनेशन के लिए भी इन्होंने बोली है। फाउंडेशन में हमेशा से नेगेटिव मार्किंग रही है, अभी भी है, इंटरमीडिएट और फाइनल में एमसीक्यूज में नेगेटिव मार्किंग ओल्ड स्कीम में नहीं थी, नई स्कीम में आने की बात थी लेकिन अब वो नहीं आएगा, क्लियरली यहां पे लिखा हुआ है। और इससे बढ़िया चीज कुछ हो नहीं सकती है, जिन एमसीक्यूज के आंसर आप कॉन्फिडेंट हैं आप तरीके से उनको मार्क कीजिए, जिनके आंसर्स के बारे में आपको फुल कॉन्फिडेंस नहीं आप अपने बेस्ट एस्टिमेट के बेसिस पे उस एमसीक्यू को आंसर करके आइए। तो ये तो मोटा मोटा मेरा डिस्कशन हुआ पेपर पैटर्न को लेके। तो सिग्निफिकेंट क्या चेंजेस हैं ओल्ड और न्यू में, तो अगर मेरे को सिग्निफिकेंट चेंजेस आपको बताना हो ओल्ड और न्यू के हिसाब से, तो अंडर दी ओल्ड स्कीम इनकम टैक्स हैड अ वेटेज ऑफ 60 मार्क्स एंड जीएसटी हैड अ वेटेज ऑफ 40 मार्क्स। अंडर दी न्यू स्कीम इनकम टैक्स विल हैव अ वेटेज ऑफ 50 मार्क्स एंड जीएसटी विल ऑल्सो हैव अ वेटेज ऑफ 50 मार्क्स। तो दोनों की इक्वल वेटेज रहेगी। अब क्या होता था इस 100 मार्क्स के पेपर में, ये जो हमारा 100 मार्क्स का पेपर है, इस 100 मार्क्स के पेपर में हमारे पास 30% एमसीक्यूज हुआ करते थे, अभी भी मेरे पास 30% एमसीक्यूज रहेंगे। लेकिन पहले अंडर दी ओल्ड स्कीम जो एमसीक्यूज हमारे पास थे, ये जो एमसीक्यूज थे इसमें इंडिपेंडेंट भी थे और साथ के साथ केस स्टडी भी थी, लेकिन अब हमारे पास 30% जो है वो सिर्फ केस स्टडी रहेगी। तो चलो सर ये तो पेपर पैटर्न की बात है, पेपर तो चाहे कैसे भी आगे पीछे पूछ ले, कुछ कम कुछ ज्यादा वो तो आंसर हो जाएगा, कंटेंट में क्या बदलाव है आप ये बताइए। तो देखिए सबसे पहले यार कंटेंट के अंदर कुछ खास बदलाव नहीं है, मैं आईसीआई ने जो सिलेबस ये इंटरमीडिएट का रोल आउट किया है एक बार उसी सिलेबस को ओपन कर लेते हैं। पेपर नंबर वन आपका एडवांस अकाउंटिंग 100 मार्क्स, पेपर नंबर टू आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज 100 मार्क्स, पेपर नंबर थ्री टैक्सेशन 100 मार्क्स। तो यहां पे सबसे पहले इनकम टैक्स का सिलेबस है, सेक्शन ए इनकम टैक्स लॉ 50 मार्क्स। क्या क्या चीजें पहले भी थी और अभी भी है एक बार उनको देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स लॉ इन इंट्रोडक्शन सेम, पहले भी था अभी भी है। सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट्स इन इनकम टैक्स लॉ इंक्लूडिंग पर्सन एसएससी प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर एग्रीकल्चरल इनकम एक्सेट्रा, पहले भी था अभी भी है। बेसिस ऑफ चार्ज अभी भी है पहले भी है और ये भी आगे है। प्रोसीजर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब एज इट इज भैया जो हमारे पास ओल्ड स्कीम में हुआ करता था। रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम एग्जैक्टली पहले भी था अभी भी, भाई किसी को भी इनकम टैक्स पढ़ाएंगे तो ये सारी चीजें पढ़ाएंगे। फाइव हेड्स लिखे लेकिन यहां पर थोड़ी सी इनसे लिखते टाइम पे गड़बड़ी होगी, इन्होंने प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशनल कैपिटल गेन एक साथ ही लिख दिया। आई रियली दिस शुड हैव बीन द फोर्थ हेड एंड दिस शुड हैव बीन द फिफ्थ हेड, बट ये पांच हेड्स हमारे पास पहले भी थे और अभी भी है। इसके बाद प्रोविजंस रिलेटिंग टू क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ ऑफ लॉसेस एंड डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, एग्जैक्टली सेम। एडवांस टैक्स टीडीएस एंड टीसीएस बिल्कुल सेम है। फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट ये भी बिल्कुल सेम है। लास्ट है हमारे पास कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड इनकम टैक्स पेबल बाय एन इंडिविजुअल अंडर द अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 टू ऑप्टिमाइज टैक्स लाइबिलिटी।
देखिए यार, आप लोगों को पता होगा कि बजट 2023 से गवर्नमेंट ने एक अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम जो हुआ करती थी उसको डिफॉल्ट रिजीम बना दिया, और ये एप्लीकेबल भी फाइनेंशियल ईयर 23-24 से, जिसके बारे में आपने बजट 2023 में सुना भी होगा, 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं है। तो एक गवर्नमेंट ने क्या किया था, थोड़ा टाइम पहले एक अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम निकाली थी सेक्शन 115 बीएससी के थ्रू, और वो हमारे सिलेबस में जब से ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी तब से एप्लीकेबल हो गई थी। बस अब उस वाली स्कीम को डिफॉल्ट स्कीम बना दिया गया है इनकम टैक्स के लॉ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और उसी के ऊपर आईसीआई बोल रहा है कि हम आपसे पूछेंगे कि आप बताइए कि नॉर्मल स्कीम में क्या टैक्स रहेगा, 115 बीएससी में क्या रहेगा। क्या ये कोई नई चीज है जो हमें पढ़नी है? तो आंसर इज नो, ये हमारे पास अभी भी है सिलेबस में, बस यहां पे इन्होंने इसको अलग से लाइन बोल दिया टू ऑप्टिमाइज टैक्स लाइबिलिटी की, टैक्स लाइबिलिटी को ऑप्टिमाइज करना है, टैक्स लाइबिलिटी को कम करना है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे, आप उस ऑप्शन को चुनेंगे जिससे आपका सबसे ज्यादा टैक्स कम बनता है। मैंने स्टडी मटीरियल का एक एक, जो नया स्टडी मटीरियल आईसीआई ने रिलीज किया उसका एक एक पेज देख लिया है। हाँ, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी में उन्होंने कुछ 2 या 3 नए प्रैक्टिकल क्वेश्चन एड किए, अदरवाइज इनकम टैक्स का सिलेबस एज इट इज वही है जो ओल्ड कोर्स में हुआ करता था। वही न्यू कोर्स में जो कंटेंट पहले आपको 60 मार्क्स में पढ़ना पड़ता था वही कंटेंट आपको 50 मार्क्स में पढ़ना है, बट सिलेबस सारा का सारा वही सेम है। हैविंग सेड दैट, हमारा टैक्सेशन के अंदर ईयर चेंज होता है, जो हमारा सिलेबस मई 23 या नवंबर 23 में है वो सिलेबस था हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23 के हिसाब से, और जो सिलेबस मेरा मई 24 और नवंबर 24 में आएगा वो आएगा फाइनेंशियल ईयर 23-24 के हिसाब से। तो चाहे आईसीआई ये नई स्कीम लेके आए या ना लेके आए, आपका ईयर तो इनकम टैक्स में ऑटोमेटिकली चेंज होना ही था। तो एक साल बदलने की वजह से, बजट बदलने की वजह से जो बजट के थ्रू अमेंडमेंट्स आई हैं वो तो ऑटोमेटिकली आपके सिलेबस का पार्ट बनता है, उसका आईसीआई के कोर्स बदलने से कोई लिंक नहीं है। अगर आईसीआई कोर्स नहीं भी बदलता तो आपको ईयर तो अपडेट करना ही था, ये तो आईसीआई का रोल ही हमारे एग्जाम्स में। तो मोटा मोटा नेट नेट बात करें तो इनकम टैक्स के सिलेबस में कोई नया टॉपिक एज सच ऐड नहीं हुआ है, बस इस ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर 2-3 प्रैक्टिकल समझाने में बहुत आसान है। आई गेस अगर मैक्सिमम बच्चे तो खुद भी कर सकते हैं अगर उनको पूरा सिलेबस आता है। तो इनकम टैक्स में एज सच कोई बदलाव नहीं है, आपके बजट के बेसिस पे जो अमेंडमेंट्स है वो अमेंडमेंट्स तो हमें वैसे भी कवर करनी रहती है। कुछ बदलाव जो है वो कुछ बदलाव हमारे जीएसटी के सिलेबस में। हमारा ना जो सिलेबस था ओल्ड सिलेबस एज आई वाज सेइंग 60 इनकम टैक्स एंड 40 जीएसटी, तो आईसीआई ने कहा जी हम इसको 50 करेंगे और इसको भी 50 करेंगे, तो जीएसटी का जो कंटेंट इंटरमीडिएट में रखा हुआ है वो 40 नंबर के हिसाब से रखा हुआ है। अब हम 50 नंबर का जीएसटी पूछेंगे नई स्कीम में तो हम तो थोड़ा सा कंटेंट बढ़ाएंगे एड करेंगे। तो सर यहां पे ये 60 से अगर ये 50 कर रहे थे तो यहां पे कुछ माइनस भी तो होना चाहिए। बेटा टैक्स के सिलेबस में ना कुछ माइनस नहीं होता है, 60 to 50 सिलेबस एज इट इज सेम, 40 to 50 देयर आर सर्टेन एडिशंस इन दिस सिलेबस। हमारे टैक्सेशन के सिलेबस में ओल्ड कोर्स से न्यू कोर्स के अंदर कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, इनकम टैक्स एज इट इज सेम, जीएसटी में कुछ और टॉपिक्स एड हुए क्योंकि 40 की जगह 50 हो गया ना, तो जो चीज 60 के लिए पढ़ते थे वो 50 के लिए पढ़ेंगे और जो चीज 40 के लिए पढ़ते थे उसे क्योंकि 50 के लिए पढ़ना है तो ऐसे ही कहते कुछ और नई चीजें भी हम आपको पढ़वाएंगे। तो क्या क्या चीजें आईसीआई ने रखवाई है, जैसे ये है जीएसटी लॉज एंड इंट्रोडक्शन इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स, ये पहले भी था अभी भी है, इसमें कोई एज सच बदलाव नहीं है। ये पूरी जो यूनिट है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, एप्लीकेशन ऑफ सीजीएसटी आईजीएसटी लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई, चार्ज ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज, एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स कॉम्पोजिशन लेवी, ये सारा जैसे पहले था वैसे अभी भी है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड आईटीसी, तो क्या क्या चीजें पहले थी, टाइम ऑफ सप्लाई भी पहले है, वैल्यू ऑफ सप्लाई भी ओल्ड कोर्स में है, आईटीसी भी हमारा ओल्ड कोर्स में है। क्लासिफिकेशन में कुछ खास कंटेंट होता नहीं है, उसके बारे में मोटा मोटा आपको बताई देते हैं जब एचएसएन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर, कि किस बेसिस पे गवर्नमेंट ने इंडिया में जीएसटी के गुड्स और सर्विसेज के लिए बताइए, वहां पर कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। तो ये थोड़ा सा नया है बट इसमें कुछ खास कंटेंट एज सच है नहीं, वैसे ये हेडिंग ही नहीं बनाई है, इससे जुड़ा हुआ जो डिस्कशन था ना वो हमारे ओल्ड में भी होता था बट ये हेडिंग इन्होंने स्पेसिफिकली अलग बना दी है। कोई चीज जो एंटायरली हमारे लिए न्यू है वो है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई पहले सिर्फ सीए फाइनल में रखा जाता था,
लेकिन अब प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में आपको इंटरमीडिएट में भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई आईसीआई ने नया इंट्रोड्यूस किया है एट इंटरमीडिएट लेवल, प्लेस ऑफ सप्लाई। इसके बाद कॉम्प्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी, ये भी सेम है, पहले हुआ करता था, अभी भी है। रजिस्ट्रेशन एग्जैक्टली सेम है। टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल सेम है। हाँ जी, एक ये नया टॉपिक है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, कि जीएसटी में हमें क्या क्या अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, ये भी हमारे लिए एकदम नई चीज है। रिटर्न्स भी सेम है, जो पहले था वही है। पेमेंट ऑफ टैक्स, अब पेमेंट ऑफ टैक्स पहले भी था, अभी भी है, तो देख के तो लगता है कि एग्जैक्टली सेम होगा, लेकिन पेमेंट ऑफ टैक्स में जो नए एडिशंस है वो नए एडिशंस है टीडीएस एंड टीसीएस का कॉन्सेप्ट। टीडीएस और टीसीएस का कॉन्सेप्ट हमारे पास इनकम टैक्स में भी होता है, एंड टीडीएस एंड टीसीएस का कॉन्सेप्ट हमारे पास जीएसटी में भी होता है। जीएसटी वाला टीडीएस एंड टीसीएस का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट हमारे इंटरमीडिएट के सिलेबस में पहले नहीं था, लेकिन अब नए स्टडी मटेरियल में वो आया है, टीडीएस एंड टीसीएस अंडर जीएसटी। तो अगर मैं आपको रियलिटी में बताऊं कि जीएसटी में क्या क्या ऐड हुआ है, तो जीएसटी में एक तो टॉपिक ऐड हुआ है प्लेस ऑफ सप्लाई, इसके बाद एक टॉपिक जो है वो ऐड हुआ है वो है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, इसके अलावा एक और टॉपिक जो ऐड हो रहा है वो है टीडीएस एंड टीसीएस अंडर जीएसटी, एंड इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग रिटर्न्स भी, प्लस रिटर्न्स कि एक टीडीएस डिडक्टर को या टीसीएस कलेक्टर को जीएसटी में कौन सी रिटर्न भरनी पड़ती है, वो भी कॉरेस्पॉन्डिंगली ऐड हुआ है। सर आपने क्लासिफिकेशन के लिए बोला, बेटा क्लासिफिकेशन के ना यहाँ पे हेडिंग नहीं डाली है इन्होंने, बट क्लासिफिकेशन का एज सच कोई डिटेल्ड कंटेंट नहीं है, जो कंटेंट पहले था वो, जो कंटेंट क्लासिफिकेशन का नए मटेरियल में, पहले मटेरियल में भी था, वो आपको वैसे भी मेन क्लासेस में करवाया भी हुआ है। तो क्योंकि आईसीआई ने जीएसटी की वेटेज 40 से 50 करी है, तो ये कुछ टॉपिक्स है जो इन्होंने सिलेबस में एड किए हैं। अब सर अगर हमें मई 24 के हिसाब से तैयारी करनी है, तो इसकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? तो यार मई 24 के लिए क्लासेस जो है वो आपकी मिड ऑफ जुलाई से स्टार्ट होंगी। जो लोग अपना फाउंडेशन का भी पेपर दिए और रिजल्ट से पहले क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस फेस टू फेस मीडियम में लक्ष्मी नगर रहेगी, और साथ के साथ उन्हीं क्लासेस की आप घर बैठे बैठे लाइव एट होम भी क्लास एक्सेस ले सकते हैं, या उन्हीं को आप जीडीपीडी में देखना चाहे वर्चुअली तो आप वो भी देख सकते हैं। सर हमें सी फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद अगर क्लासेस स्टार्ट करनी हो तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपका फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा उसके भी वन वीक बाद बैच स्टार्ट होगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल शेड्यूल आप आईजीपी के सेंटर से पूछ सकते हैं। सर हमने टैक्स की क्लासेस ऑलरेडी ले ली है, हमने अपना अटेम्प्ट नवंबर 23 प्लान किया था, बट हम शायद नवंबर 23 नहीं देंगे, मई 24 देंगे, या हमने टैक्स की क्लासेस ले ली है बट हमने स्टार्टिंग से अपना अटेम्प्ट मई 24 प्लान किया था, तो हमें क्या करना है, वॉट इज इट दैट वी आर रिक्वायर्ड टू डू? तो यार जिन्होंने नवंबर 23 से अपने आप को मई 24 में लेके जाना है, उनको सबसे पहले तो क्या करना है, एक है अमेंडमेंट्स, और ये अमेंडमेंट्स जो है वो अमेंडमेंट्स आपकी इनकम टैक्स की भी आएंगी और अमेंडमेंट्स आपकी जीएसटी की भी आएंगी। अमेंडमेंट्स के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, एग्जाम से 3-4 महीने पहले आपके अमेंडमेंट नोट्स और अमेंडमेंट लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल करवा देते हैं। अब मई 24 के अटेम्प्ट में आपकी 31 अक्टूबर 2023 तक की अमेंडमेंट्स कवर होंगी, तो फिर हम क्या करेंगे, दिसंबर 2023 के मंथ में आपको इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों के अमेंडमेंट नोट्स भी अवेलेबल करवा देंगे, अमेंडमेंट वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल करवा देंगे, कोई परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा एडिशंस, कि जो सिलेबस में नए टॉपिक ऐड हुए हैं जीएसटी में, सर वो कैसे कवर होंगे? तो जब हमारा जो नया बैच स्टार्ट होगा, उस बैच में जब ये वाले टॉपिक्स कवर हो गए होंगे, आप उसमें आके क्लासेस लगा लीजिएगा, या फिर आप उन्हीं क्लासेस का एक्सेस भी बाद में हमसे ले सकते हैं। एडिशंस जो है, इफ आई थिंक कि भाई हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है, इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 3 लेक्चर्स 3 लेक्चर इस पर लगने चाहिए। इसके बाद हमारा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स है, आई थिंक ये मोटा मोटा 1 लेक्चर का ही, इसमें ज्यादा कुछ कंटेंट नहीं है, और इसमें भी 1 लेक्चर है, तो ये जो 5 लेक्चर है, इन 5 लेक्चर्स को फ्यूचर में आपको कैसे अवेलेबल करवाना रहेगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको फ्यूचर में मिल जाएगी। जिसमें कोई सिलेबस बदल गया, ऐसा नहीं है कि टैक्सेशन के अंदर कोई बहुत ज्यादा चेंजेस है, जिस तरह से आप अपनी पढ़ाई करते हुए आए हैं आप उसी तरह से अपनी पढ़ाई कीजिए, उससे ही रिवाइज कीजिए। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में जब अमेंडमेंट्स का टाइम आएगा, तो आपको हमारी तरफ से अमेंडमेंट भी अवेलेबल हो जाएगी, और जब एडिशंस की अलग से क्लासेस कंडक्ट होंगी, तो आप उनको भी
एक्सेस कर सकते हैं या देखने आ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका कोई भी किसी भी तरह का कंसर्न हो सिलेबस चेंज को लेकर, कोई भी आपकी क्वेरी हो, आप इस कमेंट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वी विल रिप्लाई ओवर देयर। इफ रिक्वायर्ड वी कैन ऑल्सो कीप अ सेशन ऑन यूट्यूब और लाइव ऑन यूट्यूब, जहां पे आपके जो भी कंसर्न हो वो एड्रेस हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में जो मेरे को कंटेंट बताना था वो कंटेंट मैं आपको बता चुका हूं। आगे मैं आपसे दोबारा मिलता रहूंगा और जो भी हमारे आगे की चेंजेस आने वाले हैं या जो भी आपके कंसर्न्स हैं उसको हम एडिक्वेटली आगे वाले वीडियोस में आपके एड्रेस करते रहेंगे। ठीक है जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।